नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज भी एक ओनरशिप रिव्यू होने वाली है अबाउट द ह्यूंडई क्रेटा एसएक्स ऑप्शनल 2020 की मॉडल, जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। सो ये है आपकी ह्यूंडई क्रेटा एसएक्स ऑप्शनल, ये टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल एक्चुअली जो डुअल टोन आती है वो है, ये उससे एक नीचे है। तो इसका हम आपको सब कुछ बताएंगे कि इसकी ऑन रोड क्या प्राइस है, इसमें क्या फीचर्स हैं, गाड़ी को चला के क्या मजा है। सो वीडियो में बने रहिएगा गाइस, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो चलो गाइस शुरू करते हैं सबसे पहले की से। तो यहाँ हमें दिख जाती है इस गाड़ी की चाबी, जिसमें लॉक अनलॉक, गाड़ी को स्टार्ट करने का ऑप्शन और डिक्की खोलने का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए ट्राई करते हैं कि डिक्की ये गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है। तो आई बिलीव सबसे पहले गाड़ी को लॉक करो और इसको होल्ड करके रखते हैं। देखो तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अच्छी बात है। जब तक हम बाहर का रिव्यू करेंगे गाड़ी अंदर से ठंडी हो जाने वाली है। शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ हमें दिख जाता है एक बड़ी सी ग्रिल, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये पूरी की पूरी क्रोम फिनिश में ग्रिल मिल रही है। ह्यूंडई की बड़ी सी हमें बैजिंग मिल रही है। टॉकिंग अबाउट द लाइट्स, यहाँ पे हमें मिल जाता है DRL और यही टर्न इंडिकेटर्स भी हैं। पूरा हमें मिल जाता है यहाँ पर एक प्रोजेक्टर सेटअप विथ LED लाइट्स और यहाँ पर भी DRLs का हमें सेटअप मिल जाता है। ये हमें मिल जाता है फॉग लैम्प। सो टॉकिंग अबाउट द साइड प्रोफाइल गाइज, दिस कार is massive, it's huge for the segment. इस सेगमेंट की ये जो गाड़ी है, इस सेगमेंट के लिए बहुत बड़ी है। 4300 इसकी लेंथ है। और टायर्स की बात करें सबसे पहले, तो हमें 17 इंच के टायर देखने मिलते हैं यहाँ। 215/60/17 विथ डायमंड कट अलॉय व्हील्स हमें टायर देखने मिल जाते हैं। पूरी बॉडी पे यहाँ पे हमें क्लैडिंग देखने मिलती है, जो गाड़ी को एक अच्छा सा लुक ही नहीं बल्कि एक स्टर्डीनेस भी प्रोवाइड करती है। सो जैसा कि मैंने बोला गाइज, इस गाड़ी का लेंथ है 4300 mm, विथ जो है गाड़ी की वो है 1790, जो काफ़ी चौड़ी है ये गाड़ी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड कार। हाइट जो है इस गाड़ी की वो है 1635 mm, विच इज़ क्वाइट टॉल। हम गाड़ी में जब अंदर जाएंगे तो गाड़ी में कितने आसानी से हम अंदर जा पा रहे हैं और निकल पा रहे हैं, इन एन एंट्री एंड एग्जिट का भी हम आपको एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। सो चलिए तो गाड़ी के रियर प्रोफाइल पे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। सबसे पहले जो नज़र जाती है वो जाती है इसकी टेल लैंप पे गाइस। ये पूरा का पूरा एक LED सेटअप है, जहाँ पे आपको ये पार्किंग लाइट्स दिख जाती हैं। ये पूरी की पूरी LED सेटअप हमें यहाँ दिख जाती है और यहाँ हमें दिख जाती है बड़ी सी क्रेटा की बैजिंग विद द ह्यूंडई लोगो। और ज़रा सा ऊपर आए तो हमें शार्क फिन एंटीना दिख जाता है, ये अपना स्पॉइलर दिख जाता है अपने को, यहाँ पे दिख जाता है रेयर डिफॉगर, वाइपर एंड वॉशर। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर हमें जो स्टॉप लैंप जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। बम्पर पे भी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी बड़ा सा बम्पर यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे ये हमें स्किड प्लेट से मिल जा रही है। चलिए बिकॉज ये पेट्रोल ऑप्शन है तो इसके थोड़े से नीचे में देखते हैं, यहाँ पे हमें जो साइलेंसर है वो देखने मिल जा रहा है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, विच इज़ वेरी गुड, नॉट जस्ट फॉर सिटी बट इवन लिटिल बिट ऑफ रोडिंग। तो चलो गाइज गाड़ी के रेयर सीट पे सेकेंड जो सीट है उस पर चल के देखते हैं। तो शुरू करते हैं गाइज सबसे पहले डोर से। तो सबसे पहले तो थर्ड अमेजिंग, मतलब गाड़ी का जो ये जो पीछे वाला डोर है काफ़ी भारी है, इसको जब बंद करते हैं तो ही उससे फील आ जाती है। और यहाँ पे हमें पूरी की पूरी ये जो है ये हार्ड प्लास्टिक में हमें मिलता है। इतनी 21-21.5 लाख की गाड़ी में गाइस सॉफ्ट टच तो बनता ही था, इन्होंने खाली यहाँ पर जो एल्बो जहाँ पे रखते हैं, आर्म जहाँ पे रखते हैं वहाँ पर सॉफ्ट टच दिया है। यहाँ पर इन्होंने जो विंडो की जो वाइज़र, जो सन वाइजर जो होती है वो दे दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड एडिशन। किया और ह्यूंडई वाले ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है बोस का जो स्पीकर है इस गाड़ी में, शायद 8 स्पीकर हमें मिलते हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। बट सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के रेयर सीट पे और देखते हैं कि क्या कम्फर्ट है। गाड़ी में एंटर करने के पहले गाइज, अगर मैं बोलूँ कि ये डोर इतना बड़ा खुलता है, जिसके वजह से मैं 6 फुट का इंसान हूँ, मेरे को एंट्री करने में बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। टॉकिंग अबाउट द कम्फर्ट गाइज, रेयर सीट जो है आपकी वो यहाँ पर हमें मिल जाती है पूरी की पूरी लेदराइट अपोल्स्ट्री, जिसपे हमें यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर 1 एंड 2 पैसेंजर्स मिलते हैं।
मिल जाता है हमें मिडल आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स। सो टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट ऑफ द सीट गाइस, तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं बहुत आराम से बैठा हुआ, अच्छी मेरे को एक रिक्लाइन एंगल मिल रही है। और लेग रूम की बात करूँ तो सामने वाली सीट जो है वो मेरे हाइट से एडजस्टेड है, मैं 6 फुट का हूँ, उसके बावजूद भी बहुत अमेजिंग यहाँ पे मुझे लेग स्पेस मिल रही है जैसा कि आप देख पा रहे हो। और थाई सपोर्ट भी बिल्कुल अच्छा है, लॉन्ग ड्राइव में गाड़ी मस्त जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ हमें दिख रहा है मिडिल आर्मरेस्ट के नीचे एसी के जो वेंट्स हैं वो, एक यहाँ पर हमें यूएसबी का चार्जिंग सॉकेट मिल जा रहा है, फ़ोन या कुछ सामान रखने के लिए यहाँ पे एक स्पेस मिल जा रही है, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है गाइज। इसमें हमें मिल जा रहा है एयर प्यूरीफायर। तो फिलहाल हमें दिखा रहा है कि जो AQI जो है वो अभी यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर 26 है। सो टॉकिंग अबाउट द डैशबोर्ड गाइज, दिस इज योर डैशबोर्ड, इट लुक्स प्रीमियम, एब्सोल्युटली गाइज, जस्ट लुक एट दिस सेंटर कॉन्सोल, ये इतना अमेजिंग प्रीमियम लुक गाड़ी को दे रही है, अलॉन्ग विद द आर्मरेस्ट, एयर प्यूरीफायर, ये जो आपका जो गियर नॉब शिफ्टर्स हैं, ये यहाँ पर सारे आपको फंक्शंस मिल जा रहे हैं, विथ सबसे इम्पॉर्टेंट गाइज, ये हर गाड़ी में होना चाहिए यार, वेंटिलेटेड सीट्स। वेंटिलेटेड सीट्स आर वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स जो मैं बिलीव करता हूँ कि हर एक गाड़ी जो 16 लाख के ऊपर है उसमें वेंटिलेटेड सीट्स आनी चाहिए। और हमें मिल जाता है ये कैमरा का व्यू, जो हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हम देख पाएंगे। तो चलो गाइज चलते हैं गाड़ी के फ्रंट सीट पे और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या ऑफर मिल रहा है। सबसे पहले डोर, उफ अमेजिंग थर्ड, अमेजिंग थर्ड, इतनी भारी डोर है ये जो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देती है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो सुपर्ब है। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यहाँ पर ORVM एडजस्ट करने के लिए ये कुछ बटन्स, और यहाँ पर लॉक डोर लॉक अनलॉक, चारों के चारों विंडोज़ जो पावर विंडोज़ हैं, और ये ऑटोमेटिक डाउन एंड अप दोनों ही मिलता है। यहाँ पर हमें मिल जाता है ये सॉफ्ट टच, बट ये पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक है, मैं क्या बोलूँ, चलो कोई बात नहीं, सॉफ्ट टच दे दो यार, 21 लाख की गाड़ी है, Hyundai वालों इतनी अच्छी गाड़ी बनाए हो, थोड़ा सा हार्ड, इतना हार्ड प्लास्टिक गलत है। अगेन बोस के स्पीकर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाता है 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस विथ सम मोर स्पेस यहाँ पर। जैसा कि मैंने बोला गाइज, इट्स अ फीचर रिच कार, घुसने गाड़ी में मैं घुसूंगा उसके सबसे पहले मेरे को जो सबसे इम्प्रेस करती है वो है ड्राइवर सीट जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। तो चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर से भी गाड़ी का थर्ड फील करते हैं, डोर का, वाह। सो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो है गाड़ी की स्टीयरिंग, जो लेट्स सी एडजस्टेबल है हाइट बट रीच नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आते हैं जो इसकी MID जो है, जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, ये पूरा का पूरा हमें यहाँ पे डिजिटल मिल जाता है, विथ जो RPM का है वो एनालॉग में है, फ्यूल गॉज है वो भी एनालॉग है, और आपका जो इंजन का जो टेम्परेचर है वो भी एनालॉग है, बट ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो हमें डिजिटल मिल जाता है। स्टीयरिंग की अगर बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे हमें पूरी की पूरी लेदर रैप स्टीयरिंग मिल जा रही है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में यहाँ पे हमें वॉइस असिस्ट मिल जा रहा है, ये गाड़ी के आई बिलीव मोड्स चेंज करने के लिए ऑप्शन है, ये अपना जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे हमें क्रूज कंट्रोल का सेटअप मिल जा रहा है, और हॉर्न की अगर बात करें तो अमेजिंग, बहुत ही सही हॉर्न है। सो द डैशबोर्ड, अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, सबसे पहले गाइस दिस इज हार्ड प्लास्टिक, इन्होंने जस्ट यहाँ पर एक लेदराइट फिनिश दे दी है, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जस्ट इन्होंने लेदर टच दिया, बट ये है पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक। डैशबोर्ड की अगर बात करें गाइस, बहुत ही प्रीमियम फील है, यहाँ पे एक बड़ा सा हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने मिल जा रहा है, जो आई बिलीव एक 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और यहाँ हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC के जो फंक्शंस हैं वो देखने मिल जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ गाड़ी के ओनर्स से, तो ये हमारे ओनर्स यहाँ पे हमें दिख जाती हैं, शरण्या और रिदान, हेलो बोल दो, हेलो। तो ये आगे बैठ गए हैं, और पीछे में हमें धृति एंड कबीर ने भी, हेलो, धृति एंड कबीर भी आके बैठ गए हैं।
तो ये सारे के सारे इतने एक्साइटेड है गाइस व्लॉग में आने के लिए, इनके लिए तो वीडियो को लाइक करना बनता ही है, क्या बोलते हो? तो वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दो इसके पहले कि हम आगे बढ़े। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे हम ये 10 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको देखने को मिल जा रहा है, एसी के वेंट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं, और टॉकिंग अबाउट द ग्लव बॉक्स गाइस, तो हमें अच्छी खासी स्पेस मिल जा रही है और ये बिल्कुल एक कूल्ड ग्लव बॉक्स है जहाँ जो हमें अच्छी खासी स्पेस ऑफर करती है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है एक सनवाइजर विथ मिरर, लाइट्स इज नॉट अवेलेबल, यहाँ पर सिर्फ टिकट होल्डर है, नो मिरर। और यहाँ हमें देखने को मिल जाती है केबल लाइट जो LED सेटअप में हमें देखने को मिलती है। एंड गाइस ये आई वॉज वेटिंग टू शो यू गाइस, चलो, दिस इज अ मैसिव सनरूफ गाइस, सनरूफ तो नहीं मूनरूफ, इसे मूनरूफ कहते हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस, ये सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं मूनरूफ से निकलने के लिए। बट गाइस बच्चों, मूनरूफ से जब गाड़ी चल रही हो तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, इट इज नॉट मेंट फॉर दैट। अभी आप निकल सकते हो, चलो निकल जाओ। इनकी एक फोटो लेते हैं, चलो। सो टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट ऑफ द सीट गाइस, सो गाड़ी जब चलाएंगे तब तो सीट और भी ज्यादा पता लगी कितनी कंफर्टेबल है, बट गाइस अमेजिंग कंफर्ट है। अगर मैं शोल्डर रूम की बात करूं तो आप देख पा रहे हो अमेजिंग शोल्डर रूम मिलता है ड्राइवर एंड पैसेंजर के लिए, को ड्राइवर जो होता है उसके लिए। सीट की सिर्फ बात करो तो बहुत अच्छा शोल्डर रूम मिलता है। सो दिस सीट्स आर अमेजिंग एंड सोने पे सुहागा है इसकी जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं, दैट इज जस्ट ब्रिलियंट। तो चलो चलते हैं गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी फीचर्स ऑफ दिस कार गाइस, दिस कार सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो जो ग्लोबल एनकैप रेटिंग जो है इस गाड़ी की वो है 3 स्टार। आई डोंट नो ये 3 स्टार क्यों है, बट ये गाड़ी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही अमेजिंग है। 3 स्टार इस गाड़ी को क्यों मिले हैं, नॉट 4 और 5 पता नहीं, बट फॉर मी आई विल बी वेरी कंफर्टेबल सिटिंग इन दिस कार नोइंग दैट आई विल बी सेफ इनसाइड। बट चलो एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द एयर बैग्स, यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह एयरबैग्स हमें मिल जाते हैं। हमें मिल जाती है यहाँ पर एडजस्टेबल जो है वो सीट बेल्ट, और सो सेफ्टी के मामले में गाइस 6 एयरबैग है, सब कुछ अवेलेबल है, गाड़ी काफी सेफ है, आराम से चलाओ, ओवर स्पीडिंग मत करो, मैं हमेशा बोलूंगा सीट बेल्ट पहन के चलाओ, ऑलवेज ड्राइव सेफ, बच्चे हैं कार में तो और भी ज्यादा सतर्क हो जाओ, मत रिस्क लो लाइफ से यार। सो गाइज ये है इसका इंजन। सबसे पहले अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हुड की बात करूँ तो काफ़ी हैवी है, यहाँ पे हमें जो इंसुलेशन है वो भी प्रोवाइड की गई है बिकॉज दिस इंजन इज अ पेट्रोल इंजन। तो ह्यूंडई का जो 1.4 लीटर, ये 1.4 लीटर नहीं थोड़ा कम ही है, 1350 cc का इंजन है, कप्पा टर्बो GDI पेट्रोल का ये इंजन है, और इसकी जो मैक्सिमम पावर जो है वो 138 BHP की है विथ 242 Nm का टॉर्क, विच इज रियली फास्ट। गाड़ी चलाएंगे तो और भी अच्छे से हमें पता चलेगा। तो चलो गाइस, सो एज आई सेड 138 BHP की पावर, 240 Nm की टॉर्क, पेट्रोल इंजन गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, गाड़ी को चलाते हैं और फील करते हैं। सबसे पहले सबसे अच्छी बात लगी इसकी IRVM से, जो ऑटोमेटिक डेलाइट वाली जो है, थैंक यू जो मैनुअल नहीं दिया उसके लिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो हमें मिल जा रहा है यह पूरा का पूरा क्लस्टर, यहाँ पे कुछ हमें जो मोड्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जो मैं जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर इको, स्पोर्ट्स एंड कंफर्ट, यहाँ पर स्नो, मड एंड सैंड, तीनों के तीनों। ट्रैक्शन यहाँ पर हमें कंट्रोल मिल जाता है जो ऑन एंड ऑफ दोनों हो जा रहा है। गाड़ी स्टार्ट करने के पहले Always wear your seat belt. That's correct. चलो गाड़ी को हम यहाँ पे घुमाते हैं, पहन ले। Talking about the rear camera guys, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो Hyundai का जो rear camera है उसकी quality is one of the best. मतलब इसके पहले भी मेरे पास जो Accent थी उसका rear camera इतना clear है जैसा आप देख ही पा रहे हो, with obviously यहाँ पर हमें जो असिस्ट है रेयर पार्किंग असिस्ट वो भी पूरा प्रोवाइड हो जाता है।
क्या स्मूथ इंजन है गाइस। आई हैव जस्ट स्टार्टेड द कार, मैंने जस्ट गाड़ी घुमा के रखी है यहाँ पर, और वाइब्रेशन, गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं है। एक 1350 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन, कोई वाइब्रेशन नहीं है, एटलीस्ट जहाँ अभी मैं फिलहाल हूँ कम्फर्ट पे। तो पहले हम गाड़ी चलाएंगे थोड़ी देर अपने स्पोर्ट्स इको मोड पे और देखेंगे क्या परफॉर्म करती है, देन विल पुट कम्फर्ट एंड देन स्पोर्ट्स फॉर यू गाइस। सो जैसा मैंने बोला, मैं अभी इको मोड में चला रहा हूँ गाइस, और इको मोड में भी पता नहीं लोग क्यों स्पोर्ट्स मोड देते हैं, बट इको मोड पे गाड़ी इतनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। क्या स्मूथ इंजन है गाइस, वाह मजा ही आ गया। थ्रॉटल रिस्पांस की बात करूं तो थोड़ा लैग है, बट वो एक्सपेक्टेड है, हल्का लैग रहता है हर एक आईसी इंजन में। बिकॉज मैं ईवी चला रहा हूं तो मुझे वो हैबिट नहीं है, अदरवाइज इसका थ्रॉटल रिस्पांस इज नॉट दैट बैड। स्पोर्ट्स मोड में पता लगेगा एग्जैक्टली कितना डिले है थ्रॉटल पे। स्टीयरिंग रिस्पांस ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, गाड़ी की बहुत अमेजिंग स्टीयरिंग रिस्पांस है, ये देखो अमेजिंग। चलो कंफर्ट मोड मैंने दिया, इको और कंफर्ट में मेरे को हाँ थोड़ा सा पुल बेटर है, बट अगर सिटी में आप चला रहे हो तो प्लीज ड्राइव इट ऑन द इको मोड, आपकी फ्यूल पेट्रोल भी अच्छे से बचेगी और आपको जरूरत भी नहीं है कंफर्ट की सिटी में। ये टर्निंग याद है बच्चों, कंफर्ट मोड इज आल्सो फैंटास्टिक, आई मीन थोड़ा सा डिले थ्रॉटल रिस्पांस है कंफर्ट में, यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे उसको। चलो हम अब आ गए हैं, इसे देते हैं स्पोर्ट्स मोड पे। मेरे को पहले सीट बेल्ट पहन लेना है जी। सीट बेल्ट पहन लो, ये लो रुको। सो चलो गाइस, गाड़ी को हमने दे दी है स्पोर्ट्स मोड पे और दबाते हैं इसका एक्सेलरेटर। सो 4000 आरपीएम में गाड़ी ने टर्बो एक्टिवेट किया है। इट्स लिटरली हाउलिंग गाइस, द कार इज रेविंग। स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी लग रहा है कि कोई स्पोर्ट्स कार आप चला रहे हो वैसी आपको फील दे रही है। ब्रिलियंट। अभी प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज मैंने इतनी मेरी नेक्सॉन से मैं इतना ज्यादा हैबिचुएटेड हो गया हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स मोड तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। नेक्सॉन के इलेक्ट्रिक गाड़ी के आगे कोई स्पोर्ट्स मोड है नहीं, बट इसका स्पोर्ट्स मोड भी किलर है गाइस, आई मीन क्या ही कहना है। चलो फिर से करते हैं एक बार, ये लो 60 80 और 100। चलो इससे ज्यादा स्पीड नहीं लेनी है, उसकी जरूरत भी नहीं है। देखो यहाँ पे गोल्फ कोर्स दिखाओ व्यूअर्स को, सो ओवरऑल गाइस गाड़ी चला के मुझे तो मजा ही आ गया, मतलब बेहतरीन गाड़ी है ये। 21 लाख इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है, जस्टिफाइड है कि नहीं आई एम नो वन टू कमेंट फ्रेंकली स्पीकिंग। शौक बड़ी चीज है, बट अगर वैल्यू फॉर मनी अगर देखो तो 21 लाख में और भी गाड़ियां हैं जो आपको उस रेंज में आपको मिल जाएंगी, बट क्रेटा की कुछ बात ही अलग है। इट्स अ लेगेसी इन इट्स ओन, जिनको ह्यूंडई, जो ह्यूंडई लॉयल जो है और जो क्रेटा जो चलाते हैं वो इस गाड़ी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल 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 कार। 21.5 लाख अगर ये 21.5 लाख में आपको लग रही है महंगी है, तो इसके और भी बहुत सारे वेरियंट्स हैं। वेरियंट्स में एक्सप्लेन करने के लिए आपको नहीं जाऊंगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी वेरियंट्स, आप ऑनलाइन जाके देख लो। ये है आपका SX ऑप्शनल जो टॉप मॉडल है, उससे एक नीचे, बिकॉज जो टॉप मॉडल आता है वो आता है डुअल टोन वाला, और ये है आपका जेट ब्लैक SX ऑप्शनल मॉडल। इट इज फैंटास्टिक। तो ये थी हमारी वीडियो गाइज अबाउट दी Hyundai Creta SX ऑप्शनल 2020 की मॉडल गाड़ी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको प्लीज लाइक करो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू ऑल।